उत्तरकाशी की धरासू फूलचट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग NH94 रानाचट्टी के पास लगभग दो दिन से ये रास्ता बंद पड़ा है। बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि नेशनल हाईवे का करीब 50 मीटर की जो सड़क है वो नामोनिशान हो गई है। जहां पहले सड़क हुआ करती थी वहां पर अब नाला बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि हाईवे पर पत्थर, पेड़ और केवल बरसाती पानी ही अब रह गए हैं। आवाजाही के लिए भी बमुश्किल पैदल चलने लायक रास्ता भी नहीं बचा है। इधर से उधर जाने वाले लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। फिलहाल सड़क कब तक बनती है ये कहना काफी मुश्किल होगा। आपको बताएं जान को जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो बरसात के कारण जो सड़क है करीब 50 मीटर की सड़क बह गई। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देखने के बाद एक बार भी नहीं लगता कि यहाँ पर पहले सड़क हुआ करती थी। करीब 50 मीटर की सड़क जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गई। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से जो सड़क है वो यहाँ पर गायब हो गई है। दो दिन से NH94 जो है वो बंद पड़ा हुआ है। बरसात में सड़क यहाँ पर बह गई है। 50 मीटर तक सड़क का जो निशान है, नामो निशान है, वो यहाँ से मिट गया है। आपको बताएं जान जोखिम में डालकर जो लोग हैं वो आवाजाही कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कुछ लोग हैं वो भी यहाँ से आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताएं दो दिन से बंद पड़ा है ये रास्ता, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जिनको जरूरी काम है, जो लोग मजबूर हैं, वो फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। आप रास्ते में देख सकते हैं किस प्रकार से पत्थर, पेड़ और पानी केवल दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तरकाशी की धराशू फूलचट्टी का ये मामला है जहां पर राणा चट्टी के पास लगभग दो दिन से ये रास्ता जो है ये बंद पड़ा है। NH94 ये रास्ता है। बारिश ने यहां पर ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि करीब 50 मीटर सड़क यहां से गायब हो गई है। और डबर कोट में भी रोड जो है थोड़ा ख़राब है, तो उसमें NH को भी जो विभागीय है उनको निर्देशित कर दिया गया है, वो तत्काल जो है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और काम भी अभी